क्यों हो गया? सुबह गणपति पापा को लेकर आना है और यहाँ तो पूरा मंडप ही टूट गया है, अब क्या करेंगे हम लोग? बाबा आप एक काम करिए, आप जल्दी से मंडप वाले को फोन करके बुला लो। हाँ हाँ भाई बेटा, जल्दी से फोन कर भाई, रातों रात ये मंडप फिर से खड़ा करना पड़ेगा भाई। हाँ जेठराना बात करता हूँ, लेकिन फोन घर पे तो लेके आना पड़ेगा। अरे भिड़े तुम कहाँ अपने घर फोन लेने जाओगे, मेरा घर ये रहा, मैं अभी लेके आता हूँ फोन। नहीं नहीं मेहता साहब, वो बबलू का नंबर मेरे फोन में स्टोर है, मुझे अभी याद नहीं है, तो फोन तो लाना ही पड़ेगा। अच्छा जा जल्दी 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 जा, मैं अभी लेके आता हूँ। वीरे भाई का कॉल इतनी रात को? हेलो। अरे बबलू मंडप गिर गया। क्या? हमारी सोसाइटी में तुमने जो मंडप बांधा था वो गिर गया। मंडप गिर गया? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मंडप मजबूत बांधना है, बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए, और तुमने भी तो बोला था कि कुछ भी हो जाए मंडप नहीं गिरेगा। आज तक बबलू ने बांधा मंडप कभी गिरा नहीं है भिड़े भाई, लेकिन आज गिर गया ना। लेकिन कैसे गिर गया? अरे बबलू वो सब बातें छोड़ो, तुम अभी के अभी आदमियों को लेकर आओ और मंडप खड़ा कर दो, कल गणपति आ रहे हैं भाई। भिड़े भाई गणेश उत्सव के लिए अपने घर पूना पहुंच गया हूं। और सारे वर्कर छुट्टी मनाने अपने अपने गाँव चले गए। और तो यहाँ मंडप कौन बांधेगा? अभी तो आदमी मिलना मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, कोई मिलता है तो भेजता हूँ। प्लीज भाई प्लीज ट्राई करना, कोशिश करना भाई, भेज दे किसी को। अरे वो बबलू यहाँ पे है ही नहीं, वो अपने गांव पूना चला गया है गणपति के लिए। अरे और उसके जो आदमी थे वो भी छुट्टियां मनाने के लिए गांव चले गए। 10:11 बजे गणपति स्थापना का मुहूर्त है और इस वक्त ये सब हो रहा है, क्या होगा अभी? एक मिनट, हम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे? पूरे मुंबई में क्या ये एक ही मंडप वाला है? हम तो किसी दूसरे से भी बात कर सकते हैं ना। अरे वाह बबीता जी, क्या आइडिया दिया है आपने। अरे लगा भाई भेड़ा, किसी और मंडप वाले को फोन लगा। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। मेरे पास 2-3 मंडप वालों के नंबर है, वो क्या है ना। बस तो ट्राई करो। हाँ लगाता, मैं भी इंटरनेट से मंडप वालों को नंबर ढूंढ के फोन करता हूँ। हाँ ढूंढो भाई। क्या लगा किसी को? आधों का नंबर तो संपर्क क्षेत्र से बाहर है, आधे लोग फोन नहीं उठा रहे और आधे से ज्यादा लोगों का फोन बंद आ रहा है। कुछ तो फोन नहीं उठा रहे थे, एक ने उठाया तो कह रहा है कि इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाई जी अब क्या होगा? डेकोरेशन के लिए इतनी मेहनत की, सब वेस्ट। सही बात है, पर ताजुब की बात तो ये है कि मंडप के गिरते ही तूफान रुक गया। मानो ऐसा लग रहा है कि मंडप को गिराने के लिए तूफान आया था। गणपति पापा आपने ऐसा क्यों किया? अब क्या करें, बिना मंडप के तो उत्सव बिगड़ जाएगा। पूरा उत्सव बिगड़ गया अब्दुल भाई, हमारी आंखों के सामने हमारा बना बनाया मंडप टूट गया। हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग गणपति जी की स्थापना क्लब हाउस में क्यों ना करें? फिर से अच्छा आइडिया दिया आपने, ये बराबर है, हम लोग गणपति जी की स्थापना क्लब हाउस में करते हैं, तो क्या है कि बारिश है तूफान है कोई टेंशन ही नहीं ना। बिल्कुल, हम गणपति पापा की स्थापना क्लब हाउस में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जेठा अंकल हम लोग ने पूरा डेकोरेशन मंडप के हिसाब से किया था। मंडप पे तो पानी फिर ही गया, अब हमारी मेहनत पर भी पानी मिल जाएगा। इतनी सारी लाइट का कनेक्शन करना पड़ेगा, पूरा डेकोरेशन बदलना पड़ेगा, सब कुछ एक साथ में कैसे होगा? तो फिर अभी क्या करेंगे? मैं काम करता हूँ, मैं बाका को फोन लगाता हूँ। अरे जयडालाल, बाका को फोन लगाने से क्या होगा, उसको थोड़ी मंडप बांधना आता है। अरे मैंने ऐसा बोला यार भाई कि बाका को मंडप बांधना आता है? तो फिर जयडालाल उसको फोन करके क्या फायदा? अरे भाई उसके ध्यान में अगर कोई मंडप वाला हो तो वो हमारी मदद कर सकता है ना।
चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो जेठालाल, मुसीबत के वक्त जरा सी भी मदद बहुत होती है। डूबते को तिनके का सहारा। तुम फोन लगाओ। टप्पू टप्पू फोन दे। बागा, तेरा फोन बज रहा है। ए बागा, अरे तेरा फोन बज रहा है, देख। इस वक्त किसका फोन होगा? छोटे सेठ जी का फोन है। छोटे सेठ जी का फोन इस वक्त? कोई टेंशन वाली बात होगी। एक काम कर, स्पीकर ऑन, स्पीकर ऑन। बोलिए टप्पू सेठ जी। अरे मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? ए बागा, सेठ जी। सेठ जी, आपने छोटे सेठ जी के फोन से क्यों फोन किया? आपका फोन बिगड़ गया है। अरे भाई, मेरे फोन की पंचर छोड़ा ना। इधर गोकुलधाम सोसाइटी में टेंशन हो गया है। ओ माय गॉश, टेंशन? सेठ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बापूजी? हाँ, बापूजी भी ठीक है। छोटे सेठ जी? अरे हाँ भाई, छोटे सेठ जी भी ठीक है, मेहता साहब भी ठीक है, अंजलि बाबी भी ठीक है, बबीता जी भी ठीक है, अय्यर भाई तो ठीक ही है। सब ठीक है भाई, माफी बापी भीड़ है, सब ठीक है। मेरा नाम नहीं लेता। यहाँ सोठी भी ठीक है, रोशन बाबी भी ठीक है, हाथी भाई भी ठीक है, कोमल बाबी भी ठीक है, टप्पू सेना भी ठीक है, सब ठीक है। ठीक है जेठालाल। अरे पोपट लाल भी ठीक है। ठीक है, ओके, गुड नाइट। अरे अरे नटू काका, एक काम करो, आप सो जाओ, आप सो जाओ। बागा, तू सुन रहा है ना? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए सेठ जी। अच्छा तो मुझे ये बता, तेरे ध्यान में कोई ये मंडप बांधने वाला है क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, ये वो बारिश और तूफान की वजह से वो गोकुलधाम सोसाइटी का जो मंडप है ना, वो गिर गया। अरे बाप रे। और क्या, कल सुबह 11 बजे का वो मुहूर्त है, गणपति जी की स्थापना करनी है। तो कोई है मंडप वाला जो अभी रात को आके पूरा मंडप फिर से वापस खड़ा कर सके? सॉरी सेठ जी, ऐसा तो कोई मंडप वाला मेरी पहचान में नहीं है। ओहो, डोंट वरी सेठ जी, हम दोनों अभी वहाँ आते हैं। अरे एक मिनट, आप यहाँ से क्या करेंगे? आते हैं फिर सोचते हैं। अरे नहीं भाई नहीं, कोई इधर आके सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ सोचने वाले पहले से ही बहुत है। मेहता साहब है, अंजलि बाबी है, बबीता जी है, अय्यर भाई है, पोपट लाल है, अपने भिड़े है, माधवी बाबी है, कोमल बाबी है, हाथी भाई है, सब है, सब सोचने वाले। फिर से मेरा नाम नहीं लेता यार। अरे अरे अरे, छोटी भी है, रोशन भाभी भी है, टप्पू सेना भी है, सब सोचने वाले बहुत है, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग सो जाओ अभी, चलो। ओके सेठ जी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो पाका के ध्यान में कोई मंडप वाला नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम हमारी समस्या दूर करने के लिए दूसरों का इंतजार क्यों कर रहे हैं। गणपति बाबा का स्वागत हमें करना है, स्थापना भी हमें करनी है, तो मेहनत भी हमें ही करनी चाहिए। अरे वो निर्बल होता है जो दूसरों पर निर्भर रहता है। अरे हम सबके हाथ पैर सलामत है, चलो हम सब मिलकर ये मंडप बांध देते हैं। नहीं नहीं बापूजी, इतना बड़ा मंडप बांधना इतना आसान नहीं है। अरे जेठिया, आसान हो या मुश्किल, अरे इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं ना? चाचा जी बराबर कह रहे हैं, हम सब गोकुलधाम वाले मिलके अगर ये मंडप बांधेंगे तो मैंने पूरा यकीन है कि सुबह होने से पहले ये मंडप बन जाएगा। टप्पू सेना भी मंडप बांधने को तैयार है। शाबाश। महिला मंडल भी तैयार है, क्यों बैठो? ऑफ कोर्स, यस यस। और ये हम गोकुलधाम वाले अब नहीं रुकेंगे, चाहे कितनी बारिश आ जाए। तो बोले
गया। मैंने तो पहले ही कहा था बापूजी, मंडप बांधना इतना आसान काम नहीं है। हाँ चाचा जी, जेठालाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस तरह से तो हम लगातार दो दिन भी बांधेंगे तो ये मंडप नहीं बंधेगा। इतनी मेहनत करके हमने ये सब किया, फिर भी हम तो नाकामयाब ही रहे। गणपति बाप्पा आने से पहले ही ऐसी मुसीबत आ गई है, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। लगता है बाप्पा हमसे रूठ गए। नहीं भिड़े, हमारे साथ जो भी हो रहा है ना वो ठीक ही हो रहा है, हम इसी काबिल है। ये क्या बोल रहे माता साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जेठा। हम सब लोग गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सोच रहे थे कि सब तो बहुत आसान है, हर साल करते हैं हम लोग, कोई परेशानी नहीं आएगी, हम यूं चुटकियों में कर लेंगे। और देख लो, बराबर है मेहता साहब, हमें तो लग रहा था कि सभी काम आराम से हो जाएंगे इस साल, लो हो गए सारे काम। वो जो तूफान आया था ना, वो मंडप गिराने नहीं, हम सबका अभिमान गिराने आया था। हम सबके मन के अंदर अभिमान की मकड़ी ने जाले बुन लिए, हमने सब कर लिया, हम सब कर लेंगे। ऐसे ही सब बातें कर रहे थे ना हम लोग सोसाइटी की मीटिंग में। प्रॉब्लम ये है कि, अरे बोल भाई, प्रॉब्लम ये है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे भाई, वैसे भी कभी कोई टेंशन होता ही नहीं है भाई, हर साल गणपति बाप्पा मस्ती से झूमते हुए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं, तो ये बिना मतलब का टेंशन लेते रहता है भाई। अब तो हम सब इतने उस्ताद हो गए हैं कि कुछ भी तैयारी ना करो तो भी सब हो जाता है। अरे भाई, कार्यक्रम की तैयारियां करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में करते हैं चुटकियों में। तैयारी में होता क्या है, बस गणेश जी को लाना है और स्थापना कर दी, दैट्स इट। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम सारे गोकुलधाम वाले इस प्रॉब्लम को भगा देंगे। आपकी बात सही है चाचा जी, उस दिन हम सबके मन को अभिमान का जंग लग गया था। सिर्फ जंग ही नहीं लग गया था पोपटलाल, अभिमान के रास्ते पे हम इतने आगे बढ़ गए थे कि ईश्वर के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, जो भाव होना चाहिए, वो हम किसे छोड़ा है। मैंने भी गणपति पंडाल में मूर्तिकार को कहा था, फर्स्ट क्लास सजावट होनी चाहिए भाई, कोई भी कमी मत रखना, चाहिए तो थोड़े पैसे ज्यादा ले लेना। आज हमारे पास पैसे हैं, लेकिन गणपति के मंडप को कैसे खड़ा करें समझ में नहीं आ रहा, कोई आदमी नहीं मिल रहा। हाँ जी हाँ, मैंने भी जोश में बोल दिया था कि हम सब गोकुलधाम वाले किसी भी समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे, पर इस समस्या ने तो ऐसा हल्ला बोल दिया है कि अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हम सब कितने रिलैक्स होके बैठ गए थे, सोचा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब देखो अचानक कैसे मुसीबत आ गई, पूरा मंडप ही गिर गया। मैंने भी मीटिंग में मजाक मजाक में बोला था कि इस बार गणपति बापा गोकुलधाम में नहीं आएंगे, वो तो सच में नहीं आ रहे। गणपति बापा मुझे माफ कर देना, मैं कभी भी आइंदा भगवान को लेकर मजाक नहीं करूंगा। सबको पछतावा हो रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे? हम तो अब बस भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। गणपति बापा, हमारी गलती को माफ कर दीजिए प्लीज। पापा, हमें रास्ता दिखाइए कि हम क्या करें। गणपति बापा, अब हम क्या करें, हम दिल से आपको हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में लाना चाहते हैं।
बताइए जी बताइए। अरे भाई गणपति बप्पा की कृपा से जो काम असंभव लग रहा था वो संभव हो गया। एक मिनट, ये काम हमारे मजदूर भाइयों की मदद के बिना हो ही नहीं सकता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे थैंक यू वेरी मच भाइयों। कहाँ गए मजदूर? कहाँ गए भाई साहब? कोई भी नहीं है बाहर। ले बोलो है? आज के जमाने में भी ऐसे निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग भी हैं? हमारे थैंक यू की राह भी नहीं देखी, हमारी मदद की और चले गए। हाँ देखो ना, कुछ बख्शीश दे, पानी का पूछे, उसके पहले को ये चले गए। करे करे, मैं वो बबलू को फोन करके थैंक यू तो बोल दूँ। सही टाइम पे लोग भेज दिए, हमारा काम हो गया है। हेलो। हाँ बबलू। थैंक यू सो मच भाई, तुमने आदमी भेजे और हमारा काम हो गया है? मंडप फिर से बंद गया। कौन सा आदमी? मैंने कोई आदमी नहीं भेजे। क्या तो फिर यहाँ पे जो आदमी आए और काम करके गए वो किसके आदमी थे? कौन आया था? वही भालचंद्र, विनायक, गजानन, ये नाम के तो मेरे कोई आदमी नहीं है। तो फिर किसके आदमी थे वो? अरे छोड़ो ना मेरे भाई, आपका काम हो गया ना, मंडप बन गया ना बस। हाँ, ओके। क्या क्या बोला उसने? उसका कहना है कि उसने किसी को नहीं भेजा था। अरे तो फिर ये जो आदमी आए थे वो कौन थे, कहाँ से आए थे? बीच समंदर में तूफान में आपकी नाव डगमगा रही हो, अचानक मदद के कुछ हाथ आगे बढ़े, आपको किनारा मिल जाए और आपको पता ही नहीं चले कि ये मदद के हाथ किसके हैं। बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रहे हैं इस वक्त हम गोकुलधाम निवासी कि कौन थे ये लोग जो आधी रात को आए, हमारी मदद की, मंडप बांधा और चले गए। किसके कहने से आए थे, कहां से आए थे, कोई जानकारी नहीं। कौन थे मित्रों? मुझे तो ये ईश्वरीय संकेत लगता है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, ईश्वरीय संकेत। कई बार ऐसा होता है हम परेशानियों में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, क्या करें क्या ना करें के असमंजस के अंधेरे में होते हैं, और आशा की एक किरण सूरज बन के आती है और हमें हमारी मंजिल मिल जाती है, जैसे हम गोकुलधाम निवासियों को मिले। सब कुछ इस ब्रह्मांड में सब कुछ उसी के अधीन है मित्रों। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को सलाम है, इतना परिश्रम, इतना कमाल का काम किया उन्होंने। चंद्रयान अद्भुत सफलता, 95% सफलता पा ली, 99% सफलता पा ली, सिर्फ कुछ ही दूरी पहले संपर्क टूट गया। लेकिन हमारे वैज्ञानिक योग्य है, सक्षम है, ईश्वर पे हमारी आस्था है कि संपर्क जरूर होगा। पर यदि नहीं भी हुआ तो हमारे वैज्ञानिक इतने योग्य हैं कि अभी कई यान भेजेंगे, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजेंगे। सलाम है उन्हें एक बार फिर से, और उन्हें शुभकामनाएं। मित्रों यहाँ गोकुलधाम में क्या होता है, कितने हंगामे होते हैं, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.